एक बार हम विनोद भाई के घर गए तो इनके दरवाजे पे कुत्ता पला। हमने कहा विनोद भाई कुत्ता पला का नए बोकल भाई, ये कुत्ता नहीं ये शेर है, ध्यान से देखो। तो हमने कहा विनोद भाई ये कुत्ता है, बोले ध्यान से देखो ये कुत्ता नहीं ये शेर है, जब से प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ा इसकी शक्ल कुत्ते जैसी हो गई। तो एक बार तालियां विनोद भाई के लिए हो जाए, एक बार तालियां विनोद भाई के लिए हो जाए। बड़े मन से आप लोग सुन रहे हैं। आइए मैं भी थोड़ा जल्दी जल्दी में निपटाना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी में निपटाना चाहता हूँ, लेकिन इतना भी जल्दी नहीं है कि मजा ना। एक बार चार आदमी एक लाश को लेके जा रहे थे, तो बगल से एक मोटरसाइकिल वाला निकला, उसने कहा आप चारों लोग साइड में हो जाइए, हमको थोड़ा जल्दी। तो जो लाश लेके जा रहे थे उन्होंने कहा अगर तुमको ज्यादा जल्दी हो तो इनको उतार दे, तुम ही को ला दे। तो एक बार तालियां बजा दीजिए, जल्दी है लेकिन इतना भी जल्दी नहीं कि मजा ना आए। आइए एक और ऐसे बड़े नाम को मैं आमंत्रित करता हूँ, जिनको आप पूरे मन के साथ पूरे आनंद के साथ सुनेंगे, बड़े भाई सरफ लानपारवी, जो दिल्ली से हमारे बीच में पधारे हैं। मैं माइक पर उनको आमंत्रित करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि जोरदार तालियों का महोत्सव करें। आमंत्रित करें भाई सरफ लानपारवी साहब माइक। बोकल भाई बड़ा नाम सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का है, इंसान की कोई औकात को भी साथ नहीं है। सदर आली मोहतरम मुअज्जज शोरा किराम तुलसीपुर के अदब नवाज सुखन फहम बाज़ौक सामईन किराम, मेरे छोटे भाई अकमल वल्लामपुरी ने मुशायरे का इनेकाद किया है, बहुत मोहब्बतों से सजाया है। अभी हमारे बाद वो आलमी शोहरत याफ्ता अल्ताफ ज़िया साहब खुर्शीद हैदर साहब को कलाम आप हज़रात को समाअत फरमाना है। बहुत कम वक्त के लिए मैं आपके दरमियान हाजिर हुआ हूँ। इन दिनों कई बाबाओं का जिक्र भी किया इन्होंने, बोखल मेरे छोटे भाई ने। मैं बाबा राम रजीम के लिए मतलब नहीं पढ़ रहा हूँ, और भी कई बाबा जाद में आने वाले हैं, उसके बाद भी जैसा आपको इंशाल्लाह मैं पेश करूँगा। कश्तियां गैरों की साहिल पे लगाने वाला, कश्तियां गैरों की साहिल पे लगाने वाला, कश्तियां गैरों की साहिल पे लगाने वाला, ऐसा डूबा न मिला कोई बचाने वाला। सात लाख लोग उनके मुरीद हैं इस वक्त अंदर ख्वाब देख रहे हैं। कश्तियां गैरों की साहिल पे लगाने वाला, ऐसा ऐसा डूबा न मिला कोई बचाने वाला। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, मैदान महशर में एक साया होगा जिसके सब मुतमन्नी हैं। अल्ताफ सच है सूरज है सवाने से प्याने वाला, थोड़ा सा जोड़ के सुन लीजिए आप हजरात। सच है सूरज है सवाने से पे आने वाला, सच है सूरज है सवाने से पे आने वाला, सच है सूरज है सवाने से पे आने वाला, एक साया है फकत हमको बचाने वाला, एक साया है, एक साया है फकत हमको बचाने वाला। कश्तियां गैरों की साहिल पे लगाने वाला। अब ये शेर बाबा जी की खास नजर है। अब के सैलाब में खुद को भी गवा बैठा है, इंशाल्लाह महसूस होंगे दोस्तों। अब के सैलाब में खुद को भी गवा बैठा है, अब के सैलाब में खुद को भी गवा बैठा है।
नाव बरसात में कागज की चलाने वाला, नाव बरसात में कागज की चलाने वाला, ऐसा डूबा न मिला कोई बचाने वाला। डाइस पर तमाम असाज़े किराम भी तशरीफ़ फरमाए, मैं मौजूद जाऊंगा। अब के सैलाब में खुद को भी गवां बैठा है, नाव बरसात में कागज की चलाने वाला, उसने तरकश में कई तीर छुपा रखे हैं। स्वागत है भाई, क्या कहने। उसने तरकश में कई तीर छुपा रखे हैं, उसने तरकश में कई तीर छुपा रखे, उसने तरकश में कई तीर छुपा रखे हैं। अमन का जो है यहाँ नारा लगाने वाला, अमन का जो है यहाँ नारा लगाने वाला। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह शरीफ के आज तक का खाका ये पस मंजर में पेश कर रहा हूँ। मुलाजा फरमाए, दोस्तों ही ने उसे कत्ल किया है वरना, लड्डू जी सुनिएगा, दोस्तों ही ने उसे कत्ल किया है वरना, दोस्तों ही ने उसे कत्ल किया है वरना, दुश्मनों से तो न था मात वो खाने वाला, दुश्मनों से तो न था मात वो खाने वाला, ऐसा डूबा न मिला कोई बचाने वाला। आइए हजरत एक गजल के कुछ अशआर पेश करना चाहता हूँ कि जख्म वफा का हासिल होगा ये कब मैंने सोचा था, कि जख्म वफा का हासिल होगा ये कब मैंने सोचा था, इश्क का मतलब मुश्किल होगा ये कब मैंने सोचा था, इश्क का मतलब मुश्किल होगा ये कब मैंने सोचा था, जख्म वफा का हासिल होगा ये कब मैंने सोचा था। करबला से लेके यहाँ तक का सफर घात लगा कर उसने मेरे मासूमों को मार दिया, घात लगा कर उसने मेरे मासूमों को मार दिया, दुश्मन इतना बुजदिल होगा ये कब मैंने सोचा था, दुश्मन इतना बुजदिल होगा ये कब मैंने सोचा था, दुश्मन इतना बुजदिल होगा ये कब मैंने सोचा था। जब से मुशायरे का आगाज हुआ है मनोज ये मुंतशिर लड़का है उसने बहुत अच्छी चीजें सुनाई गजल के हवाले से, मैं शायरी वहां तक पहुंचूंगा आप तक, लेकिन मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा आप बेदार हो जाइए कि जिसने मेरे अरमानों के शीश महल को तोड़ा है, जिसने मेरे अरमानों के शीश महल को तोड़ा है, वो ही मेरी मंजिल होगा ये कब मैंने सोचा था, वो ही मेरी मंजिल होगा ये कब मैंने सोचा था, इश्क का मतलब मुश्किल होगा ये कब मैंने सोचा था। इस गजल का आखिरी शेर उसके बाद तमाम हो गया, सूरज की मानिंद मुझे दिन रात सफर में रहना है, सूरज की मानिंद मुझे दिन रात सफर में रहना है,
तेरे पैर में भी दिल होगा ये कम मैंने सुजाता, तेरे पैर में भी दिल होगा ये कब मैंने सोचा था, इश्क का मतलब मुश्किल होगा ये कब मैंने सोचा था। शुक्रिया।